अस्सलाम वालेकुम। टेंथ फिजिक्स जो है जे सेवंथ चैप्टर जो सेवंथ लेक्चर आप वट प्रीवियस जी लेक्चर्स हुआ उनमें अना चूं टे एक लेक्चर में यानी कि पा फिफ्थ आई थिंक फिफ्थ लेक्चर में फोर्थ में असं यो पढ़ी चुका हूं यानी कि जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में गुजरे तो उनते फोर्स लगंद उन्हीं बाद में उनते उनमें असं यो भी डिस्कस किया तो फोर्स जो आखिर मैग्नीट्यूड केतो होंद केड़ी माल फोर्स जीरो हों वगैरह वगैरह वरी उन बाद में पा यानी कि बे लेक्चर में उनते कुछ डिस्कस कियासे उन बाद जो लेक्चर हो सिक्स नंबर उनमें असं यो पढ़ोसे या यो समझोसे तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई कोई कंडक्टर पो आ कंडक्टर में जैसे अस करंट गुजारूँ था पाया उनते फोर्स लगन। ठीक हाँ जो ही वो पो लेक्चर आ इनमें पा पढ़ने वा आयो कि यानी कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्वाइल पी हुए उन क्वाइल से कड़ो असर पवन वो आ ठीक उन्हीं क्वाइल से कड़ो इफेक्ट हों उन ठीक सो यानी कि जैसे क्वाइल से रखा पाया हों से कें भी मैग्नेटिक फील्ड में तो उनते कड़ो असर थो पो हों थोड़ा यो डिस्कस करो सपोज कि हाँ असट यानी कि मैग्नेट आ ठीक पाट मैग्नेट हाँ मैग्नेट में चूं तो पाया कि हि असट जो हि वाली साइड जो है नॉर्थ पोल आसट साउथ पोल आने सपोज कर अड़े किस्म की अंदर क्वाइल रखा तो पो तो उन्हीं कड़ो असर पव ठीक सपोज कर इतों करंट जो वो इन थे तो पो इतों करंट आउट थे तो पो सिंपल इतों ही करंट इंद करंट ट्रैवल करें इतों बहर वो पो हों ठीक हाँ ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद है असट हि ठीक जो हिंद डायरेक्टेड उन अड़े किस्म जो हि लाइन्स पा कड़ी सूस था पा तो हाँ जैसे हि अस साउथ ए नॉर्थ पोल हो उनके विच में असं क्वाइल ठाए कर रखी छूँ जैसे पा आर्मेचर भी चवंदे फ्यूचर में नेक्स्ट वो जो लेक्चर होंद इंशाला उनमें तो जैसे इनमो करंट अस पास करे कड़ो असर पवन इन असर मतलब हाँ इन फोर्स लगन सीधी गाल इतने करंट जो डायरेक्शन हेडे आने साइड आ ठीक इतने करंट ही फ्लो करे तो पे साइड इतने वो करंट काड़े फ्लो करे तो पे साइड मतलब इन बिन्हीं जो फोर्स भी लगन पे हों डिफरेंट डायरेक्शन्स में लगन पे हों जैसे इन फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन्स में लगन पे हों रोटेट कह हि इतने जो इतने गोल फिर ठीक है जैसे गोल फिर तो इनके टर्निंग इफेक्ट ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग क्वाइल इन मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैग्नेटिक फील्ड में अस कोई क्वाइल रखी छूँ तो उनमें करंट गुजारूँ तो टर्न कंदी उतरे टर्न्स हणंदी सिंपल जी समझी इन पा वो पा वट पखो आ नंढी मोटर होंगी काफ़ी अड़ा भी एक्सपीरियंस हूँ जो नंढे होंदे नंढड़ी मोटर जरूर डिठी हूँ ठीक है नंढड़ी मोटर जो होंगी जो मशीन में पल हूँ मशीन मतलब ये ट्रिमर वगैरह थन्दन या वो नंढड़ी जो पा गाड़ी वगैरह ट्वाइस वा पा हूँ उनमें अंदर होंगी ठीक है या नंढा हवा वा जो पखा इंदा उनमें भी होंगी नंढड़ी मोटर डीसी वाली मोटर जैसे सेल से पा हल पाया उनमें ऑलरेडी ही कॉयल मौजूद होंगी ठीक है पर हि ई एक जगह से बीठी होंगी जैसे इनके पा कें सेल से कनेक्ट कंदा पाया हूँ कें बैटरी से कनेक्ट कंदा पा हुआ हि पॉजिटिव साइड हि नेगेटिव साइड जैसे पा के कनेक्ट कंदा पा हूँ तो ऐसा हि क्या रोटेट थे शुरू थी टर्न्स हणंदी ठीक है हि रोटेट थी पी हाँ रोटेट छो थी थे हाँ मैग्नेटिक फील्ड पे भी मौजूद हुई हाँ रोटेट इन करते भी छोड़ो इनमें जो करंट गुजरते पवन इतों करंट ही गुजरते पवन एडो करंट ही तो इतने जो फोर्स उनको लगन पो हों ठीक है वो सपोज कर हेडे मथे हों वो फोर्स लगन हेट हों फोर्स मथे लगन पो हों हेडे हिंते हेडे फोर्स लगन इनते फोर्स हेट लगन पेडे हेट हि मथे हि हेठ तो हि वो पार्ट रो इतने रोटेट कह पो इनके चाहिए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आर टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ठीक हाँ इनके पढ़ने वा आयो तो आखिर यो कि पे हों ठीक टॉपिक लिखी वो पा मुझे ख्याल में तक मैं भी ओके टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट करंट कैरिंग ओके करंट कैरिंग
कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड जेकॾहिं मैग्नेटिक फील्ड में असां काई बि कॉइल रखूं था पिया त पोइ उन ते कहिड़े क़िस्म जो इफेक्ट थींदो पियो हूंदो ठीकु आहे हाणे हिनखे थोरो डिफाइन करणी था पिया हिन खां बाद में अॻिते हिनखे पढ़ूं था पिया सो वैन इन इलेक्ट्रिक करंट जॾहिं कोई बि इलेक्ट्रिक करंट गुज़रंदो कंहिं कॉइल मां ठीकु आहे त पोइ उन ते छा थींदो उन ते फोर्स हलंदो वैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ठीकु आहे इन अ क्लोज़्ड लूप इन अ क्लोज़्ड लूप क्लोज लूप के असां कॉइल विझंदा आहियूं ठीकु कॉइल ऑफ वायर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड the magnetic force and a magnetic force un te lagando theek a ke cha de kare jade un current flow the magnetic force on current can produce on the current can टार्क हाणे सपोज़ कयो असां वटि कुझु हिन तरीक़े जी सिचुएशन आहे ठीकु आहे हाणे मां ॿ फिगर्स ठाहींदोमांसि जीअं आसानी थिए सम्झण में पाण खे हाणे सपोज़ कयो असां वटि यानी की हिकिड़ी यानी की मैग्नेटिक असां वटि हिकिड़ो मैग्नेट आहे ठीकु आहे असां हुनखे यानी की अहिड़े तरीक़े सां ठाहियूं था पिया मैग्नेट मतिलबु असां वटि ॿ मैग्नेट्स आहिनि ठीकु आहे हुनमें अंदरि जेको आहे असां कॉइल रखूं था पिया हाणे हिकु था पिया हिते यानी की असां वटि ही नॉर्थ साइड आहे मैग्नेट जी ठीकु आहे ऐं ॿी साइड खां पाण रखूं था पिया साउथ ओके ही असां वटि छा आहे ही साउथ आहे हिन में असां कॉइल अंदरि प्लेस कयूं था पिया असां वटि कॉइल आहे जेका हिन में असां अंदरि रखूं था पिया सो ही आहे उहा असां वटि कॉइल ठीकु आहे हाणे हिन मां जेको आहे उहो करंट फ्लो करे थो पियो हाणे करंट कीअं फ्लो करे थो हेॾे अचे थो पियो ठीकु आहे हीउ करंट हीअं वियो ऐं हुन खां बाद में करंट जो डायरेक्शन हिते हिन तरफ़ हिते वरी करंट आउट थींदो पवंदो ठीकु आहे सो हिते करंट वरी हाणे इन में छो जे ही ऑलरेडी ही जेका कॉइल आहे इहा मैग्नेटिक फील्ड में रखी वई आहे पोइ जेॾी महिल असां हिन मां करंट गुज़ारींदासीं त हिन ते हिन जेको हीअ वारी साइड आहे वायर जी इन ते बि फोर्स लॻंदो ऐं हिन ते बि फोर्स लॻंदो हाणे हिनखे मां थोरो डायमेंशन चेंज कयूं था पिया हिनखे जेकॾहिं असां हिनखे मथां ॾिसूं त पोइ हीअ असां कीअं नज़र जेकॾहिं मथां ॾिसूं असां साइड में ॾिसूंसि था पिया जेकॾहिं मथां ॾिसूं था त पोइ कीअं थिए आहे उहो हितां जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं त पोइ असांखे इहा कीअं नज़र ईंदी पवंदी पोइ असांखे इहा हीअं नज़र ईंदी पवंदी हीअ असां वटि नॉर्थ साइड ऐं हीअ थी वेंदी असां वटि अगेन साउथ मथां ॾिसूंसि था पिया त हीअ असां कीअं नज़र ईंदी पवंदी हीअ कॉइल हीअ असां कॉइल हीअं नज़र ईंदी पवंदी ठीकु आहे उहो ईअं नज़र ईंदी पवंदी हाणे हिते जेको फोर्स लॻंदो पियो हूंदो हिते फोर्स हिन तरफ़ लॻंदो पियो हूंदो ऐं हिते जेको फोर्स हूंदो इहो इन तरफ़ लॻंदो पियो हाणे इहो जेको फोर्स जो लॻणु आहे इहो एक्चुअली डिपेंड करंदो पवंदो आहे डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट हिते करंट जेको आहे हेठि वञे थो पियो हितां जेकॾहिं ॾिसूं करंट हेठि वञे थो पियो हिते जेको करंट हूंदो उहो छा थींदो पियो हूंदो करंट मथे ईंदो पियो हूंदो सो असां इन मां ॿुधाए सघूं था पिया त हिनखे हीउ काॾे मूव कंदो हिन ते जेको फोर्स लॻंदो पवंदो हिन साइड खां उहो हेठि छॾियो करंट फ्लो कंदो हिते वरी मथे हाणे ईअं आहिनि की हीअ छा थींदो रोटेशन थींदो हाणे हिते एक्सिस ते हिते हिनखे सेंटर ते सम्झो फिक्स आहे ठीकु आहे त हाणे हीअ छा थींदो हीअ रोटेट कंदी हिते पीढ़ी वरी पोइ हिते पीढ़ी ऐं इहा पोइ छा कंदी रहंदी ईअं ई इन डायरेक्शन में रोटेट कंदी पवंदी हाणे हिनखे इहो जॾहिं बि असां ईअं अहिड़े क़िस्म जी जेका कॉइल हूंदी असां ईअं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कंदा पिया हूंदासीं ऐं पोइ हुन मां करंट गुज़ारींदा पिया हूंदासीं त उन में लाज़मी जेको आहे उनमें छा प्रोड्यूस थींदो उनमें टार्क प्रोड्यूस थींदी हाणे उहो जेको टार्क जो जेको डायरेक्शन आहे उहो असां हिन तरीक़े सां ॿुधाए सघूं था पिया ठीकु आहे
उन खां बाद में अस मैग्नीट्यूड केतो हों ठीक है वो भी अस बुधा सकूँ था पा ठीक है मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड लाइट जो इशू हुजण जे करे तव्हांखे थोरो इहो ही वारा जेके शेडोज़ आहिनि इहे बर्दाश्त करणा पवंदा कुझु लेक्चर्स में सो जेको मैग्नीट्यूड आहे असां उहो कहिड़े सां मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय ठीकु आहे हाणे उहो असां कीअं मैग्नीट्यूड असां उहो टॉर्क जो जेको मैग्नीट्यूड आहे उहो असां हिन तरीक़े सां बैंग एन आई बी ए हाँ यो तुम्हारी मर्जी है तीन भी ठीक है आई बी ए क्या पे एन आई बी ए कॉस अल्फा ही अस इक्वेशन आ जैसी मदद से अस टार्क मालूम कर सकते टार्क केतरी लगनी पवी ठीक है हाँ जो अस फैक्टर्स ऐसूँ तो यह टार्क आखिर कड़े फैक्टर्स डिपेंड कर टार्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगी एन से एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स ठीक है नंबर ऑफ टर्न्स आर लूप्स केतरा इनके टर्न्स हैं एक वायर ब टे चार अस तक खबर है असा इनमें काफ़ी वायर्स माना इनमें जो है एक वायर ही थल ब वरी टे वरी चार पंज छः जत वायर्स करूँ कर पाया दिठो तो उनमें अंदर नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी दिन हों अंदर जो आर्मेचर हों अंदर अस मोटर वगैरह होंगे नंबी उनमें तुम जाओ तो काफ़ी वायरिंग थल होंगी वो वायरिंग एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स के शो कहती पी ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शन नंबर ऑफ टर्न्स से जैसे अस नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर छींदे तो असा वो टार्क होंगी वह जो प्रोड्यूस नहीं पी वह डबल थी वही सपोज कि अस कॉयल्स एकड़ी कॉयल में पंजा टर्न्स पंजा वायर्स मन टर्न्स लगल है उनमें जो अंदर लूप्स उ सौ लूप्स सेम जैसे स्ट्रेंथ वाली मैग्नेटिक फील्ड में अस रखूँ करंट गुजरने पर जैमें सौ लूप्स हूँ सौ टर्न्स हूँ उनमें फेरो लगन पे हों उनमें रोटेशन जो स्पीड हूँ ठीक है उन बाद में सेम जो टार्क होंगी अस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगी करंट से ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगी करंट से हाँ जैसे करंट अस डबल कंदा पाया हूँ उनमें रोटेशन चाहिए डबल थी हाँ यो सिंपल भी पा कर यो पा एक्सपेरिमेंट डिठो है एक्सपेरिमेंटली भी इनके चुका हूँ ठीक है ऑब्जर्वेशन थल भाई जैसे सेल जैसे वीक हूँ तो वो जो बैच मोटर हूँ वह स्लो हलंदी पे जैसे सेल स्ट्रांग हूँ सही हूँ चार्ज्ड हूँ वो तेज हलंदी पे होंगी ठीक है उन्हीं के बाद में जो यो टार्क आ नंबर थर्ड में है नंबर फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज द नंबर थर्ड जो टार्क प्रोड्यूस नहीं हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रेंथ ऑफ बी जितनी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होंगी स्ट्रांग होंगी ओतरो यानी कि असि जो टार्क होंगी वह ज्यादा पैदा थी पी उन बाद में अस जो टार्क होंगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगी एरिया से एरिया ऑफ द लूप ही जो लूप जो ही जो एरिया है इन्हीं से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन जितो यानी कि हि अस एरिया कदा से उनमें ओतरो जो टार्क प्रोड्यूस नहीं पवी वो थी पवी ठीक है इन एरिया से सो इन्हीं के भी उन बाद में नंबर फिफ्थ से डिपेंड कहती है टार्क डिपेंड्स अपॉन एंगल between B and area of the loop and jaka asanji B ya magnetic field a jaka theek a magnetic flux bhi chahi sakun sta pain ke theek aur topic asan na hai bas ma thodo budhin bolna ta ke magnetic flux sa bhi yani ke hi area jo loop a in jo area in jo wo mana depend kandi pain ya theek a diso na सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड ही थोड़ो मैं समझा वा जैसे सपोज कि अस मैग्नेटिक फील्ड ही इतने ही ठीक है अड़ो लाइन्स अचन पी हि जो एरिया है वह ही थी वही है मतलब हि इतने कॉयल ही पी है अंदर जो कॉयल आ पी है जैसे यह कॉयल फिरी कर ही पुदी ठीक है तो ऐसो हाँ इनमें लाइन्स पास नहीं पवन जैसे हि होंगी तो इनमें लाइन्स पास नहीं पवन इतने इनके फ्लक्स जो मैक्सिमम होंगे टार्क भी मैक्सिमम होंगी वही जो ये जी पई आ जैसे हे वो केस पा हि वो इन केस में जो हि पई आती इतने ही इनमें तुम ऐसो तो इनमें लाइन्स जो उ पास नथ्यू थन
इतने नथियों थन ठीक है। तो मन हाँ जो टार्क होंगी वह घट होंगी, टार्क मैक्सिमम कड़ी मान जैम हि जो एरिया होंद यो बिल्कुल इन पैरल में होंद यानि कि थेटा घनी होंगी, थेटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री ठीक है। इतने वो जो यानि कि जैसे हि परपेंडिकुलर थी लाइन्स हि एरिया से ठीक है, तो थेटा इज इक्वल 90 डिग्री थी इतने जो इतने जो इनके टार्क थी वह थी जीरो थी इतने टार्क होंगी इतने मैक्सिमम होंगी। हाँ तवे जहन में ख्याल इंदो पे होंगे यो जर ये फिरंदी पे होंगी इतने बीहन खपे बीहंदी न छो जो इनमें पाँच इनर्शिया हों मतलब एक जगह बीह न थी पे बीहंदी न छो जो इनर्शिया में हलदे हलदे भले अस यकदम बिजली वे भी हली पा दिसदा पा अस कनेक्शन डिसकनेक्ट कर भी छूँ तो फैन वगैरह असो यकदम बीह रहा यकदम ना बीह वो हलन रहा हाँ वो हलन रहने जो मकसद यो है कि उनमें पैंजी एक इनर्शिया होंगी रोटेशन इनर्शिया जैसे कर मूव कह रो यानी कि वो जितर से मूव कह एतरे से कुछ न कुछ एतो फिरी वो जो वो इनमें फ्लक्स अंदर माना कुछ न कुछ लाइन्स पास थे होंदू इनमें पास नहीं वही सागो में फोर्स लगन है वही रोटेट करना शुरू थी सो यानि कि यो एतो प्रोसेस जल्दी थोड़ा पे होंगे तिसा पे होंगे तो वो मोटर वगैरह जो बीह ना है ठीक है वो सिर्फ इनके करें सो जी मैं इनमें लाइन्स जो बिल्कुल पैरल गुजर पे होंद एरिया से पैरल में होंद तो जो असि फ्लक्स जो मैक्सिमम थी जैसे पैर इनसा परपेंडिकुलर होंद एरिया से तो होंद इनसा इनमें जो फ्लक्स होंगी वह जीरो होंगी फ्लक्स जीरो होने के टार्क भी जीरो इनमें ब केसिस मैं स्किप क्या सो पे अच्छो तुम्हें जस्ट एंड जस्ट पान के प्रेप क्यों था पा टेस्ट लाइ पा उन हिसाब से उ ही शिसा ठीक है सो ये तक याद हो ठीक हाँ एंगल समझी वो हाँ इनको केस दिसूँ था पा स्पेशल केसिस था ठीक है हाँ नंबर वन में पा केस दिसूँ था पा ठीक है मैक्सिमम टार्क हाँ मैक्सिमम टार्क हाँ मैक्सिमम टार्क में अस हों टार्क इज मैक्सिमम टार्क इज मैक्सिमम when area of the coil is parallel to the magnetic field lekin magnetic field sanje area sa cha hundo parallel hundo to flux cha hundi asan torque cha hundi asan maximum hundi theek hai and so hi asan equation tau is equal to एन आई बी ए कास अल्फा ठीक है सो जैसे अस एरिया जो वो पैरल आ ठीक है मतलब हिं आने पैरल मतलब हि हि एरिया है असो ठीक है मतलब हि पई आम हि यानी कि फील्ड जो गुजरंदी पी कुछ हिं तरीके ठीक है ये फ्लक्स होती जैसे यह केस होंद हि एरिया पैरल थी इतने हि यानी कि एंगल जो होंगी हिंजे हिंजे विच में एरिया के विच में वह घनी होंगी इतने अस कंसिडर कहते थेटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है हाँ कुछ समझण के मतलब असल में एक्चुअली इतने एरिया लफ्ज यूज थे पर अस वेक्टर एरिया भी इस्तेमाल कर कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लेक्स नो करना चाहें तो इनके ये ही फिलहाल पढ़ा रहोस जी याद कियोस जी मैं समझा तो ठीक है एंगल जैसे जीरो डिग्री थी वी तो मतलब अस अल्फा इतने अल्फा रखू अल्फा इज जीरो डिग्री सो टाओ इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉस जीरो डिग्री ए कॉस जीरो डिग्री तक खबर आ वन के बराबर होंगे सो टाओ इज इक्वल टू एन आई बी एन इतने टार्क यानी मैक्सिमम आ ठीक है टार्क मैक्सिमम आ उन बाद में इनके बी पॉइंट आ वह पॉइंट भी अहम आ पॉइंट भी इलाई अहम आज बुक में लिखल है ठीक है हाँ कड़ी मैं इनके टार्क जो होंगी वह अस मैक्सिमम होंगी हाँ वो जैसे डायपोल मूवमेंट जो होंगी वह होंगी परपेंडिकुलर होंगी ठीक है टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड जैसे जैसे यानी कि असा जो टार्क होंगी जो डायपोल मूवमेंट होंगी या होंगी परपेंडिकुलर होंगी परपेंडिकुलर होंगी टू द फील्ड से यानी मैग्नेटिक फील्ड से जैसे असि डायपोल मूवमेंट जो होंगी वह
परपेंडिकुलर हूँ पवन अच्छा टार्क हूँ मैक्सिमम हूँ ठीक है ये मूवमेंट आ बिल्कुल परपेंडिकुलर हूँ फील्ड से ठीक है मतलब फील्ड ही आ है ही पे ठीक है इतने जो हम समझ परपेंडिकुलर आ इनसा तो उतने वही असर डाइपोल मूवमेंट आ या छो परपेंडिकुलर आ कैंसा इन फील्ड से तो उतने असर टार्क हूँ मैक्सिमम हूँ हि याद करनी है ही पॉइंट तक याद हो जाए कि टार्क कड़ी माल मैक्सिमम होंगी जैसे मल डायपोल मूवमेंट आ परपेंडिकुलर टू द फील्ड हुए यह तक पॉइंट लाजमी याद करनी है उन बाद में अस नंबर टू में मिनिमम जीरो टार्क मिनिमम टार्क तो अच्छी जीरो टार्क हाँ जीरो टार्क कड़ी माल होंगी टार्क इज जीरो when area of the coil is perpendicular to the magnetic field area of the coil ho je wo cha ho je perpendicular je kare ho je kaisa magnetic field sand po टार्क जो होंगी वो असान जीरो थी टार्क जो असान फॉर्मुलो मौजूद आ टार्क पॉइंट जाए टार्क टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉस अल्फा ठीक है हाँ ऐसो हि जो अस मैग्नेटिक फील्ड कुछ इन तरीके जो असा ही ठीक है किस्म हाँ जो पा जो हिंदो कॉयल आ जी हो ठीक है हाँ इतने जो कॉयल आ हि कॉयल हि कॉयल परपेंडिकुलर आ कैंसा इन सा परपेंडिकुलर आ छोजो इनो ना एरिया ही हों मथे एरिया हेरे मथे हों हाँ जो एरिया ही आरे ही मथे आ फील्ड लाइन्स वो क्रॉस थन थी पे पर एरिया में ऐसो परपेंडिकुलर क्रॉस माना इन मोह सरफेस मोह न गुजरन थी ठीक है सरफेस मोह न गुजरन सरफेस को बारह बारह गुजरन थी पे तो इन केस में इनके कास अल्फा जो होंगी वह अल्फा 90 डिग्री थी वी जैसे अल्फा 90 डिग्री होंगी तो असो टार्क जो वैल्यू छा होंगे एन आई बी ए कास 90 डिग्री सो कास 90 डिग्री अस बराबर होंगे जीरो जे सो टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए आई बी ए ओके एन आई बी ए कास बस वैल्यू रखो तब मथे लिखी रहा सो हे जीरो ठीक है एन आई बी इन टू जीरो सो हे टा इज इक्वल टू अगेन जीरो थी यानी कि अस टार्क जीरो होंगी जड़ी माल ही एरिया जो वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो एरिया हेयर एक्चुअली डिनोस द वेक्टर एरिया वेक्टर एरिया जी हलो वेंदुम वही तक परेशानी थी इन सिंपल जी बुक में आए मैं ये रहने दिनों ठीक है इतने एंगल भी वो चेंज मैं खड़ी पवी सरफेस एरिया जैसे कंसिडर कम तो वही एंगल एक्चुअली साइन ही पी होंगी कास ना ही पर छोजो इक्विवेलेंट बई गाल सेम थी ठीक है साइन खूँ या कास खूँ बस थोड़ा फर्क होंगे अस वेक्टर एरिया कंसिडर कहता पाया हूँ इन केस में सिर्फ एरिया कंसिडर कहता पाया हूँ तो अस साइन खड़ा पाया हूँ पर इनके बुक में आए जी उ रहन दिनों मैं भी कास खी आए तक बुधा तो कास आखिर छो था खूँ बस अस उन झंझट में ना पों अस चाहता एरिया से पैरल जैसे पैरल में होंदा तो जीरो जैसे परपेंडिकुलर हों एरिया से एरिया मतलब ये बाहर उभरल है एरिया ठीक है एरिया मथे उभरल है ये तक कंसिडर कर मतलब ही इतना ही जो एरिया है वो ही है ठीक है मथे एरिया है पो सो इन एरिया में परपेंडिकुलर है ठीक है इतने जो एरिया है वो सागो इतने उभरल है मतलब इतने उभरल हों काडे उभरल हों बाहर तरफ उभरल हों तो इनमें अंदरों पास नहीं पो लाइन्स ठीक है इन बाद में कुछ एम सी क्यूज हैं वो एम सी क्यूज पा सॉल्व करने की कोशिश क्यों था पा सो ही आन पा कुछ एम सी क्यूज हाँ पे एम सी क्यू में चाहे तो पो टार्क प्रोड्यूस्ड इन अ कॉयल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन टार्क जो कें भी इनके कॉयल में प्रोड्यूस जैसे कें भी एक्सटर्नल फील्ड में रखूँ तो वह डिपेंड कन्दी हाँ बुधा तो पो ऑप्शन पे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट करंट के मैग्नीट्यूड से नंबर ऑफ द वाइंडिंग्स एरिया ऑफ द कॉयल या ऑल ऑफ दीज टार्क जो है एन आई बी ए अस उनको फॉर्मुलो आ कास अल्फा एन थेटा भी चेस कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ना अल्फा ही रखो ठीक है सो एन इनके टार्क जो डिपेंड नंबर ऑफ टर्न्स से करंट से भी डिपेंड कन्दी
मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थे भी एरिया थे भी सो इतने मैग्नेट ऑफ करंट सही आए तो डिपेंड कर नंबर ऑफ वाइंडिंग्स एन से भी डिपेंड करती भी एरिया ऑफ द कॉयल ए से भी डिपेंड कर सो ऑल ऑफ दीज जो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है जितो एरिया होंगे फ्लक्स गुजरों पवन फ्लक्स हुए एरिया टार्क प्रोड्यूस टार्क प्रोड्यूस इज मैक्सिमम वेन द डायपोल मूवमेंट इज टार्क जो प्रोड्यूस वो मैक्सिमम होंगे जी डायपोल मूवमेंट जो पोल्स उनकी मूवमेंट किएं हुए काडे हुए पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होंगी जैसे मूवमेंट डायपोल्स जी तो उतने टार्क याद हो जीरो परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है डायपोल मूवमेंट जैसे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होंगी असानी जो टार्क होंगी वह चवी प्रोड्यूस जी पी मैक्सिमम होंगी जैसे डायपोल मूवमेंट परपेंडिकुलर होंगी टू मैग्नेटिक फील्ड टार्क असानी मैक्सिमम प्रोड्यूस नहीं पी या वरी जैसे डायपोल मूवमेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होंगी हे वारो ठीक है जैसे डायपोल मूवमेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होंगी तो पीओं को टार्क प्रोड्यूस नहीं पी होंगी असानी जीरो होंगी मतलब टार्क मिनिमम प्रोड्यूस नहीं पी उन बाद में ही इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स जैसे अस नंबर ऑफ वाइंडिंग्स के इंक्रीज कर मतलब एन के इंक्रीज करा तो टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन सा ये पा टॉपिक में पढ़ी भी चुका हूं ठीक है सो टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन सा जैसे हे वधिंदासे हे भी वधंदी हे डबल कंदासे डबल चार दफा वधिंदासे चार दफा वधी पांच दफा वधिंदासे पांच दफा वधी सो इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स द टार्क प्रोड्यूस्ड विल डिक्रीज इंक्रीज रिमेन द सेम नॉट हे इंक्रीज थी जो टार्क जो वैल्यू इतने डिपेंड करें तो पो ठीक है सो उम्मीद क्या तो तक इतनी समझ में अच्छी होंद इन नेक्स्ट वो टॉपिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तक करूंदे थैंक यू।